क्या आपको सोल यानी आत्मा के वजन के बारे में पता है? और क्या आपको पता है कि दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट कॉफ़ी कौन सी है और उसे पीने के बाद आप कितने दिन सो नहीं पाओगे? चलो बताते हैं। हेलो एंड वेलकम टू दिस चैनल रैंडम फैक्ट्स की और एक वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो का नाम है नंबर 1 फैक्ट अबाउट बोन्स। हमारे बॉडी में 206 हड्डियाँ होते हैं, पर क्या आपको पता है कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो उस वक्त उसके बॉडी में लगभग 300 हड्डियां होते हैं, जो कि 18 साल तक आते आते 206 हो जाते हैं। और एक बात, क्या आपको पता है कि हमारे बॉडी का 25% हड्डियां हमारे पैरों में होता है? एक रिसर्च से ये भी पता चला है कि हमारे हाथ के नाखून हमारे पैरों के नाखूनों से 4 गुना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हैं। आप अपने बॉडी के कितने गुना वजन को उठा सकते हैं? 1 या फिर 2 गुना। पर क्या आपको पता है कि एक चींटी अपने बॉडी के वजन का 20 गुना वजन उठा सकती है? चींटी के बारे में और एक फैक्ट आपको बता दे चलूँ कि चींटियों के पास लंग्स नहीं होते। चींटी अपने बॉडी में मौजूद टीनी पोर्स के मदद से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती है और उसी पोर्स के मदद से कार्बन डाइऑक्साइड को भी रिलीज करती है। नंबर 3, आपने तो जापान के बारे में सुना होगा, जो कि एक विकसित देश है। जापान के लोग विकसित होने के कारण इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम को बताते हैं। पर क्या आपको पता है कि जापान के रेलवे डिपार्टमेंट को एक बार अपने ट्रैवलर्स से माफ़ी मांगना पड़ा था, क्योंकि उनके ट्रेन सिर्फ 45 सेकेंड लेट हो गया था। इसलिए जापान के रेलवे डिपार्टमेंट ने अपने ट्रैवलर्स को अपना पैसा रिफंड कर दिया। और इससे आप इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं। नंबर 4, जब नींद आती है पर हमें काम करना होता है तो हम चाय या फिर कॉफ़ी पीते हैं ताकि उस नींद को भगा सके। पर क्या आपको पता है कि वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट कॉफ़ी कौन सी है? उस कॉफ़ी का नाम है डेडविस कॉफ़ी। और इस कॉफ़ी को पीने के बाद आप 3 दिन तक सो नहीं पाओगे। ये इसलिए कि इस कॉफ़ी में नॉर्मल कॉफ़ी के मुकाबले 200% ज़्यादा कैफीन होता है। इस कॉफ़ी को 2012 में माइक ब्राउन ने बनाया था। आज साइंटिस्ट भी मानते हैं कि हमारे बॉडी में आत्मा यानी सोल है। पर क्या आपको आत्मा के वजन के बारे में पता है? इसको लेकर भी बहुत से एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं। सन 1901 में मैसाचुसेट्स के एक फिजिशियन डुकान मैकडुगाल ने 6 लोगों को लिया जिनकी डेथ होने ही वाला था। उन सब पेशेंट्स के डेथ के पहले और डेथ के बाद का वजन को मापा गया, और जब वजन को कंपेयर किया गया तो 21.03 ग्राम का डिफरेंस था। यानी हम बोल सकते हैं कि आत्मा का वजन 21.03 ग्राम होता है। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो।